पैसों को सही तरीके से हैंडल करने की कला आपके स्मार्टनेस पर नहीं, बल्कि पैसों को लेकर आपके बिहेवियर पर निर्भर करता है। कभी-कभी एक जीनियस भी पैसों को गवा देता है, वहीं कभी-कभी एक ऑर्डिनरी इंसान भी पैसों से वेल्दी बन सकता है। साइकोलॉजी ऑफ मनी समझने के लिए पहले एक स्टोरी से इस बुक के ओवरव्यू को समझेंगे। बात उन दिनों की है जब मॉर्गन हाउसेल एक होटल में काम करते थे, जहां एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव फ्रीक्वेंटली आता रहता था। वह एक जीनियस था जिसने यंग एज में बहुत सी कंपनीज बनाई और फिर उन्हें बेच भी दिया। उसके पास उस समय बहुत पैसे थे, लेकिन उसका अपने पैसों के साथ रिलेशनशिप बहुत ही स्टूपिड था। वह हर समय अपने साथ नोटों की गड्डिया लेकर घूमता था और हमेशा अपने अमीर होने का शौक करता था। एक बार तो उसने हद ही कर दी जब उसने अपने दोस्त को बहुत से पैसों की गड्डी देकर कहा, उसे गोल्ड कॉइन में कन्वर्ट करो। फिर वह अपने दोस्तों के साथ समंदर के पास गया, जिसमें उसने एक गेम खेला जिसमें जो गोल्ड कॉइन को समुंदर में जितनी ज्यादा दूर तक फेंकेगा वह जीतेगा। पैसों के साथ ऐसा बेहुदा व्यवहार सिर्फ मस्ती के लिए, अब आप सोच ही सकते हैं कि उसका बिहेवियर कितने समय तक चला होगा। ज्यादा लंबा तो नहीं चला होगा। ऑथर बताते हैं कि उन्हें कुछ सालों बाद पता चला कैसे वह बैंकरप्ट हो गया। इस कहानी के साथ साथ ऑथर एक और इंसान की कहानी बताते हैं जिसका नाम रोनाल्ड जेम्स था। वह एक साधारण अमेरिका के गांव से बिलोंग करने वाला सफाई कर्मचारी था। यह साधारण आदमी जब 92 इयर्स की उम्र में मरा तो देश विदेश के अखबारों में उसकी चर्चा हुई। चर्चा इसलिए हुई क्योंकि मरने के समय उसकी नेटवर्थ 58 करोड़ थी, जिसमें से उसने 15 करोड़ अपने सौतेले बच्चों को और वहीं 43 करोड़ चैरिटी में दे दिए। अब एक साधारण अमेरिका के गांव से बिलोंग करने वाले सफाई कर्मचारी के पास इतने पैसे कहां से आए? जब इसका पता लगाया गया तो पता चला कि उसकी कोई लॉटरी नहीं लगी थी, वह तो एक साधारण जीवन जीता था। जितने पैसे बचा सकता था उसे ब्लू चिप कंपनी के स्टॉक में लगाकर भूल जाता था। फिर कहीं दशकों बाद कंपाउंडिंग के पावर ने उसकी छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट को इतना बड़ा नेटवर्थ बना दिया। ऑथर टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव और सफाई कर्मचारी को कंपेयर करते हुए बताते हैं कैसे जीवन में बहुत सारा पैसा कमाना और फिर उसे बनाए रखने के लिए किसी टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है। आप पैसे के साथ कैसे बिहेव करते हैं बस इसकी जरूरत है। पैसा कमाने की कला एक सॉफ्ट स्किल है, कोई भी इंसान सीखकर फाइनेंशियल सक्सेस पा सकता है। एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव जीनियस होने के बावजूद बैंकरप्ट हो जाता है। दूसरी ओर एक सफाई कर्मचारी ज्यादा पढ़ा लिखा ना होने के बावजूद करोड़पति बन जाता है। ऑथर हमें बताते हैं लॉटरी टिकट का अमेरिकन जनता मूवीज, वीडियो, म्यूजिक और बुक्स के कंबाइन अमाउंट से ज्यादा लॉटरी टिकट खरीदने में खर्च करते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ज्यादातर लॉटरी टिकट कौन खरीदता है? ना ही अमीर खरीदते हैं और ना ही मिडिल क्लास, बस गरीब लोग ही। वह गरीब लोग जो इतने गरीब हैं जिन्हें अगर इमरजेंसी हो जाए तो 30 से 35 हजार अरेंज नहीं कर सकते। ऐसे गरीब लोग वहां पर सालाना 30 से 35 हजार रुपए की लॉटरी टिकट खरीद लेते हैं। ऐसे उनका फाइनेंशियल सेंस लॉटरी टिकट खरीदने का क्या बनता है? वह पैसा जो इमरजेंसी के समय उनके काम आ सकता है उससे वह लॉटरी टिकट खरीद लेते हैं। क्या यह फाइनेंशियल डिसीजन आपको सही लगता है? आप शायद कहेंगे नहीं, यह क्रेजीनेस है। लेकिन जो आपको और हमको क्रेजी लगता है वह गरीब आदमी के लिए रेशनल और वाइज डिसीजन है। कैसे? उसके लिए ऑथर गरीब और आदमी की सोच के बारे में बताते हैं। गरीब आदमी जो लॉटरी टिकट खरीदता है वह कहता है, हम लोग जो महीने में कमाते हैं उससे ज्यादा खर्च हो जाता है, सेविंग्स की तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं होती। बहुत ज्यादा सैलरी, वैकेशंस, बड़ी गाड़ी, बड़े घर, ये सब हमसे बहुत दूर है। यह सब हमारे लिए सपना है। इन सपनों को जो मिडिल क्लास और अमीर जी रहे होते हैं, ऐसे सपनों को साकार होने के चांसेस हमें सिर्फ लॉटरी टिकट खरीदकर और लॉटरी लगने पर ही लगते हैं। लॉटरी टिकट खरीदते हुए हमें लगता है कि हम अपने सपनों को सच करने के लिए पैसे दे रहे हैं। आपको यह क्रेजी लगेगा क्योंकि जो हमारे लिए सपना है वह बहुत से लोगों को आसानी से मिला हुआ है। आप में से बहुत से लोग उसकी वैल्यू भी नहीं करते। इस कहानी और एग्जाम्पल के माध्यम से ऑथर बताते हैं, गरीब हो या फिर मिडिल क्लास हो या फिर रिच हो,
ज्यादातर मनी रिलेटेड डिसीजन या फाइनेंशियल डिसीजन एक्सेल की शीट पर वर्किंग करके नहीं, इंसान के अपने इंडिविजुअल सर्कमस्टेंसेस और इमोशन से प्रभावित होकर इंसान लेता है। जो मैं डिसीजन लूंगा वह आपको क्रेजी लग सकता है, जो आप डिसीजन लें वह मुझे क्रेजी लग सकता है। आपकी फाइनेंशियल सक्सेस इस पर डिपेंड करती है आप अपने इमोशंस, सर्कमस्टेंसेस और कैलकुलेशन को कैसे साथ में रखते हैं और पैसों के साथ कैसे बिहेव करते हैं। बात उन दिनों की है जब 1968 में बिल गेट्स एक स्कूल में पढ़ते थे, तो उसी समय पूरी दुनिया में 30 करोड़ सिमिलर स्टूडेंट्स थे जो हाई स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन पूरी दुनिया में द लेक साइड स्कूल कुछ ऐसे स्कूलों में से एक था जिसमें उस समय कंप्यूटर था। स्कूल के पास इतना पैसा और दूरदर्शिता थी कि उन्होंने अपने स्कूल के लिए कंप्यूटर खरीदा। बिल गेट्स और उनके दोस्त पॉल एलन लाखों करोड़ों बच्चों में से एक थे, वह लक्की स्टूडेंट जिन्हें उस समय कंप्यूटर का एक्सेस मिला। बिल गेट्स ने यह बात ऑन रिकॉर्ड भी कही है, अगर उनका स्कूल लेक साइड नहीं होता तो शायद माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं होता। इस तरह और भी बहुत सारे फैक्टर्स थे बिल गेट्स के सक्सेस होने के, लेकिन लक उनमें से एक था। बिल गेट्स के एक और दोस्त कैंट इवांस की बात करते हैं। कैंट इवांस बिल गेट्स और पॉल एलन के बेहतरीन दोस्त थे, उनके सभी कंप्यूटर एडवेंचर के पार्टनर भी थे। बिल गेट्स का कहना है अगर कैंट इवांस ने स्कूल खत्म किया होता तो वह निश्चित माइक्रोसॉफ्ट में फाउंडिंग पार्टनर होते, लेकिन कैंट इवांस ने स्कूल खत्म ही नहीं किया। कैंट इवांस स्कूल में ही एक माउंटेनियरिंग एक्सीडेंट के दौरान मारे गए। उन्होंने वो रिस्क फेस किया जो लाखों में से एक को फेस करना पड़ता है। माउंटेनियरिंग में लाखों लोग जाते हैं लेकिन मरता लाखों में से एक है। ऑथर लक और रिस्क का कंसेप्ट इस एग्जांपल से हमें सिखाते हैं। बिल गेट्स और कैंट इवांस बिल्कुल एक जैसी कैपेबिलिटीज रखते थे। जहां बिल गेट्स लाखों लोगों में से एक बने जिन्होंने हद से ज्यादा सफलता प्राप्त की, जिसे लक भी कहा जा सकता है, वहीं कैंट इवांस लाखों लोगों में से वह एक इंसान बने जिन्हें लक का बिल्कुल अपोजिट रिस्क को फेस करना पड़ा। जहां शुरुआत एक साथ हुई थी वहीं लक और रिस्क के कारण डायरेक्शन और फाइनल आउटकम्स बिल्कुल अपोजिट हो गए। यहां कहानी का मतलब यह नहीं है कि बिल गेट्स की अपार सफलता के पीछे सिर्फ किस्मत थी, किस्मत के अलावा और भी बहुत फैक्टर्स हैं, लेकिन यह कहना उचित होगा आपके एफर्ट्स के अलावा भी बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि आपका आउटकम क्या होगा, जो आपके कंट्रोल में नहीं भी होते। आपको सिर्फ इस बात पर विश्वास रखना है कि अगर आप फाइनेंशियली बहुत सफल हो जाओ तो यह मत मान बैठो आपने जो डिसीजन लिए हैं वह सभी सही हैं, तभी आप सफल हुए, आगे भी वैसा ही होगा। अगर आप फाइनेंशियल फेलियर का सामना करो तो यह मत मान लो जो आपने डिसीजन लिए सब गलत थे इसलिए आप असफल हुए। सफल होते समय भी आपके डिसीजन हार्ड वर्क के साथ बहुत सारे फैक्टर्स थे, जो आपके असफल होने पर भी आपके डिसीजन हार्ड वर्क के अलावा और बहुत सारे फैक्टर्स थे। सफल होने पर भी कॉन्शियसली आगे बढ़ते रहो, असफल होने पर भी सिचुएशन और सर्कमस्टेंसेस को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते चलो। जब तक सभी फैक्टर्स आपके फेवर में आकर आपको सफलता ना दिलाए तब तक आपको नहीं रुकना चाहिए। आगे ऑथर हमें रजत गुप्ता का एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल बताते हैं, जिनका जन्म कोलकाता में हुआ जो एक अनाथ थे। ऐसे सर्कमस्टेंसेस में रहने के बावजूद 40 साल की उम्र में रजत गुप्ता दुनिया के सबसे प्रेस्टीजियस कंसल्टिंग फर्म मैकिंसी के सीईओ बने। इसके अलावा भी वह बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल रोल में रहे। साल 2008 में उनकी नेटवर्थ करीब 100 मिलियन डॉलर थी। उतना पैसा उन्होंने इकट्ठा कर लिया कि अगर इतने पैसों को बैंक में रखकर उसकी इंटरेस्ट इनकम भी आए तो 50,000 प्रति घंटे बिना कुछ किए कमाए जा सकते हैं, वो भी 24 घंटे हर रोज। लेकिन यह भी उनके लिए काफी नहीं था, वह करोड़पति से बहुत ही डेस्परेटली अरबपति बनना चाहते थे। उस समय वो गोल्डमैन सैच्स, जो दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी थी, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल हुए। अपने अरबपति बनने के डेस्परेशन में, इतनी वेल्दी होने के बावजूद भी,
उन्होंने सेटिस्फेक्शन ना होने के कारण ऐसा काम किया जिसने उनकी इतने सालों की रेपुटेशन को मिट्टी में मिला दिया। उन्हें इनसाइडर ट्रेडिंग के गुनाह के लिए दोषी पाया गया। दोषी करार होने के बाद उन्हें जेल जाना पड़ा। इनसाइडर ट्रेडिंग, जिसका मतलब था ऐसी इंफॉर्मेशन जो उन्हें बोर्ड मीटिंग में मिलती थी, जो कॉन्फिडेंशियल होती थी, उसे उन्होंने अपने फाइनेंशियल गेन के लिए बेचा। ऑथर रजत गुप्ता के एग्जाम्पल के साथ बताते हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ यह प्रॉब्लम होती है। एक फाइनेंशियल गोल अचीव करने के बाद वह दूसरा फाइनेंशियल गोल अचीव करना चाहते हैं, लखपति से करोड़पति और फिर अरबपति। कुछ भी उनके लिए एनफ नहीं होता। यह एनफ सब बहुत मायने रखता है। यह बताता है कि इंसान को फाइनेंशियली एक गोल पोस्ट बनाना चाहिए, ऐसा गोल पोस्ट जिसमें आपकी सभी नीड्स और रीजनेबल वांट्स पूरी हो सके। इसके बाद तो सब लालच ही है जो आपका पीस ऑफ माइंड खराब कर सकता है। तो सबसे जरूरी फाइनेंशियल स्किल है कि आप एनफ की डेफिनेशन जरूर बनाएं, उसके बाद रुक जाएं, पैसे से ज्यादा अपने परिवार और अपनी सुख शांति को ज्यादा महत्व दें। सोशल कंपैरिजन यह स्किल अटेन करने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। उसके पास BMW है, मेरे पास भी होनी चाहिए, ऐसी सोच को छोड़ना बहुत ही जरूरी है। इस इम्पोर्टेंट स्किल को सीखने के लिए अपने लिए क्लियर एनफ की डेफिनेशन बनाना, उस फाइनेंशियल स्टेट्स को अचीव करने के डायरेक्शन में काम करना, फिर रुक जाना बहुत इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल स्किल है। आप सबने ये तो सोचा ही होगा कि वॉरेन बफेट ने इतना मैसिव वेल्थ कैसे बनाया। उसके ऊपर लगभग 2000 किताबें लिखी जा चुकी हैं। अगर उन सब किताबों की समरी को एक लाइन में देखें तो उसको हम ऐसे कह सकते हैं, दिस गाई हैज बीन इन्वेस्टिंग कंसिस्टेंटली फॉर 3/4 ऑफ सेंचुरी। वॉरेन बफेट स्टॉक में तब से इन्वेस्ट कर रहे हैं जब वह बच्चे थे। आपको यह जानकर हैरानी होगी, उनकी $86.5 बिलियन की नेटवर्थ है, जिसमें से उन्होंने $81.5 बिलियन की नेटवर्थ अपने रिटायरमेंट एज मतलब 60 साल के बाद इकट्ठी की है। नो डाउट वॉरेन बफेट एक फिनोमिनल इन्वेस्टर है, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि वह 75 ईयर से कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट कर रहे हैं। जितना इम्पोर्टेंस उनकी स्किल को देना चाहिए, उतना या उससे ज्यादा इम्पोर्टेंस टाइम को देना चाहिए। ऑथर हमें एक उदाहरण से बताते हैं जिसमें वो कंपेयर करते हैं वॉरेन बफेट को एक साधारण इंसान से। वॉरेन बफेट ने 10 साल की उम्र में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। जब वह 30 साल के थे तब उनकी नेटवर्थ $9.3 मिलियन थी। वहीं एक साधारण इंसान जो नॉर्मली 20 साल तक पढ़ाई करता है, उसके बाद 30 साल तक वर्ल्ड एक्सप्लोर करता है, अपना पैशन एक्सप्लोर करता है, उसकी नेटवर्थ 30 साल की उम्र में मात्र $25,000 होगी, क्योंकि उसने अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट शुरू ही नहीं की। अब अगर वह इस पॉइंट पर इन्वेस्ट करना शुरू करता तो वह 60 साल की उम्र तक 22% रिटर्न कमाता है। वह साधारण इंसान है तो 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट लेता है और फिर इन्वेस्टिंग बंद कर देता है, तो प्रेजेंट टाइम में उसकी नेटवर्क $11.9 मिलियन होगी। वही वॉरेन बफेट की नेटवर्क $86.5 मिलियन है। उसकी नेटवर्थ वॉरेन बफेट की नेटवर्थ से 99% कम है। वॉरेन बफेट की कामयाबी का सबसे बड़ा कारण यह भी है कि उनका बहुत छोटी उम्र में इन्वेस्टमेंट करना, फिर उसे 90 इयर्स की उम्र तक कंटिन्यू रखना। उन्होंने 75 इयर्स तक कंसिस्टेंटली इन्वेस्टमेंट की, फिर उसे होल्ड करके रखा या फिर उसे री इन्वेस्ट किया। उस समय ने उन्हें कंपाउंडिंग के एक्सपोनेंशियल रिजल्ट उन्हें दिए। ऑथर का मानना है कि अमीर बनना एक बार के लिए फिर भी आसान है, लेकिन हमेशा के लिए अमीर बने रहना इतना आसान नहीं है। शायद यही कारण है कि ज्यादातर बिजनेस स्टार्ट होने के बाद कुछ सालों बाद ही फेल हो जाते हैं। बहुत सारे सेलिब्रिटीज के एग्जाम्पल हैं, एक बहुत अच्छा फाइनेंशियल स्टेटस अचीव करने के बाद भी ब्रोक हो गए हैं। बिजनेस कैरियर और इन्वेस्टिंग सब में सफलता पाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है लंबे समय तक सरवाइव करना। यह फाइनेंशियल स्किल भी वॉरेन बफेट के एग्जाम्पल से समझी जा सकती है।
वारन बफेट के साथ साथ उनके जैसे और भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स रहे होंगे, फिर भी वारन बफेट जैसी नेटवर्थ और किसी की क्यों नहीं हुई? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने एक लंबे समय तक सरवाइव किया, अपनी वेल्थ को धीरे धीरे करके बढ़ाया, इसे कम कभी नहीं होने दिया। उन्होंने अपने 75 इयर्स के इन्वेस्टिंग पीरियड में करीब 14 टाइम रिसेशंस देखे, लेकिन वह पैनिक कभी नहीं हुए, अपने आप को बर्न आउट नहीं होने दिया, चाहे उसके लिए उन्हें कितनी ही डील क्यों ना छोड़नी पड़ी हो। रजत गुप्ता की तरह उन्होंने अपनी रेपुटेशन कभी स्टेक पर नहीं लगाई। उनकी जो सबसे बड़ी बिजनेस स्ट्रेटेजी रही, वह उनका अपना और अपनी वेल्थ का सर्वाइवल ही था। बस इसी सर्वाइवल ने उन्हें वह समय दिया जो दूसरे लोगों को नहीं मिला। उसी समय ने अपना जादू दिखाया, फिर कंपाउंडिंग नामक फार्मूले ने उनकी नेटवर्क को इतना जबरदस्त बना दिया। आज की समरी में इतना ही, अभी इसका पार्ट सेकंड बाकी है।